पाठ 12 काल टेंस परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो वह काल कहलाता है। देखिए और पढ़िए। सोनू फल काटता है। सोनू ने फल काटा। सोनू फल काटेगा। तीनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ा जाए तो इनमें काटता है, काटा तथा काटेगा शब्द द्वारा कार्य के होने के समय का बोध होता है। इसे काल कहते हैं। काल के भेद, काइंड्स ऑफ द टेंस। काल के तीन भेद होते हैं, क वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ख भूतकाल, पास्ट टेंस, ग भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। क वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अनुराधा गाना गाती है, धोबी कपड़े धोता है। ख भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने भिखारी को भोजन दिया, उन्होंने अपना पाठ याद किया। ग भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध होता हो उसे भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे हम कुतुब मीनार देखने जाएंगे, वे खाना खाएंगे।